और चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में हुए उपचुनाव से जुड़ी इस बड़ी खबर का। राजेंद्र नगर उपचुनाव की मतगणना जारी, आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक की बढ़त बरकरार। 11वें राउंड की गिनती में आपको 29,139 वोट मिले, बीजेपी को 19,097 और कांग्रेस को 1,171 वोट मिले। राजेंद्र नगर उपचुनाव की मतगणना जारी, सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई थी और दोपहर तक जो है उम्मीद है कि नतीजे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। 11वें राउंड की गिनती हो चुकी है, आपको 29,139 वोट मिले हैं, बीजेपी को 1,097 और कांग्रेस को 1,171 वोट मिले हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक चुनावी मैदान में और कांग्रेस की प्रेमलता तो बीजेपी के राजेश भाटिया चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे हैं। तो राजेंद्र नगर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, 11वें राउंड की गिनती हुई पूरी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक को मिले 29,139 वोट, तो बीजेपी के उम्मीदवार 19,097 वोट लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,171 वोट ही मिल पाए। तो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक। दिल्ली एमसीडी के प्रभारी भी हैं दुर्गेश पाठक, जिन्हें पार्टी ने इस बार उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी प्रियंका। प्रियंका, जरा बताएं कि इस वक्त जो है वोटों की गिनती कहां तक पहुंच चुकी है, कितने राउंड की अभी और जो मतगणना है वो बाकी बची है और कितना अभी लगता है कि उलटफेर हो सकता है इस बीच? जी कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिलहाल 14 राउंड की वोटिंग की काउंटिंग हो गई है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक आगे चल रहे हैं। करीबन 11,000 वोट से वो बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया से आगे चल रहे हैं और अभी फिलहाल 2 राउंड की और वोट की काउंटिंग होगी। पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कार्यकर्ता का उत्साह देखने को मिल रहा है, आम आदमी के कार्यकर्ता काफी खुश है क्योंकि अब बहुत कम चांसेस बचे हैं कि किसी तरीके का उलटफेर हो सकता है क्योंकि 14 राउंड की काउंटिंग ऑलरेडी हो गई है जहां पर दुर्गेश पाठक लीड कर रहे हैं। कायनात, बिल्कुल प्रियंका, आप जैसे बता रही हैं कि 14 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, कितने अभी और राउंड बचे हैं कि जिसमें ये और कितनी अभी ईवीएम खुलना बाकी है कि लगे कि अभी थोड़ी उम्मीद और बाकी है बीजेपी प्रत्याशी के लिए कि वो आगे और बढ़त बना सकते हैं? जी मैं आपको बता दूं कायनात कि 14 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और टोटल कुल वोटिंग काउंटिंग की जो राउंड है वो 16 है, यानी 16 राउंड में ये पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया को पूरी करनी है जिनमें से केवल अब 2 काउंटिंग का राउंड बचा है, यानी 14 राउंड आते आते ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने वाली है। हो सकता है कि कुछ वोट के मार्जिन में डिफरेंस हो पर ये तो तय हो गया है कि जीत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की ही होने वाली है और जिसको देखते हुए यह लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, यहाँ कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ मिठाइयाँ भी बंटनी शुरू हो गई है। कायनात, तो यानी कि आम आदमी पार्टी के खेमे में इस वक्त जो है वो जश्न का माहौल देखा जा रहा है और अभी से वो नतीजों को ये मान चुके हैं कि उनके पक्ष में आने वाला है और जीत उनके उम्मीदवार की हो चुकी है, दुर्गेश पाठक विजयी बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस लिहाज से जो है फिलहाल जश्न मना रहे हैं। प्रियंका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लीड है वो फर्स्ट राउंड से लेकर जो है वो किस प्रकार से आपने देखा कि वो बढ़ती गई और क्या कभी ऐसा मौका आया बीच में कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछड़े हों, वो पिछड़ गए हों और बीजेपी के प्रत्याशी आगे निकल गए हों? जी कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सुबह 8 बजे से वोटिंग की काउंटिंग शुरू होती है, उसके पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाती है, पर जैसे ही 8 बजे की काउंटिंग शुरू होती है उसके बाद 9-10 बजे के करीब हमने देखा कि पहले राउंड का दूसरे राउंड का नतीजा आना सामने हो जाता है, रुझान आना सामने हो जाता है, पर हमने कभी भी नहीं देखा कि बीजेपी के उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हो इनमें से कोई भी लीड किया हो। शुरुआत से ही दुर्गेश पाठक ने वोट में अपनी पकड़ दिखाई और लगातार उनके वोट की जो मार्जिन है वो बढ़ती ही गई। तो कायनात, अभी भी 14 राउंड की
काउंटिंग हो गई है और 14 राउंड की काउंटिंग के बाद भी हम देख रहे हैं कि 11,500 के करीब वोट से वो आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर बीजेपी के राजेश भाटिया हैं। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार फिलहाल 1,000 तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। कायनात बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला जो है यहाँ पर देखा गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक कह सकते हैं कि ये उपचुनाव का रुझान रहा है, क्योंकि अभी तक जो है जैसे आपने बताया कि 1,000 तक की लीड भी वो यहाँ पर लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किशोर झा जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता नेहा दुआ हमारे साथ जुड़ गई हैं इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के लिए। तो सबसे पहले यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किशोर झा से मैं ये सवाल करना चाहूंगी। किशोर झा जी, क्या लगता है कि आपका जादू जो है अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, आखिर बीजेपी को यहाँ पर दूसरे नंबर पर इतने बड़े अंतर से लोगों ने जो है पीछे छोड़ दिया है, कारण क्या देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली में, उनकी जो काम की राजनीति है उसमें राजेंद्र नगर के की जनता ने, पूजनीय जनता ने जो है एक बार फिर से विश्वास व्यक्त किया है और ये बताया है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उन्हें अपना समझते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली की जनता भी जो है वो मुख्यमंत्री जी को अपना बड़ा बेटा समझती है और मुख्यमंत्री जी के कामों में विश्वास दिखाती है। बीजेपी लगातार ये प्रचारित प्रसारित करती है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा तेजी के साथ जो है विकास आगे बढ़ पाएगा, लेकिन क्या इस बात को नकार दिया है दिल्ली की जनता ने, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, इनकी झूठ को, झूठ के उदाहरण पूरे देश में फैले हुए हैं। बिहार में पिछले 15 से अधिक सालों से ये सरकार चला रहे हैं। गरीबी सूचकांक कल ही रिलीज किया है आरबीआई ने, नीति आयोग ने, उसमें बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों लंबे समय से भाजपा शासित राज्य गरीबी में पिछड़े हुए हैं, सबसे निचले पायदानों पे हैं, अपने लोगों को गरीबी से बाहर लाने में असफल साबित हुए हैं। तो ये सब झूठ है, ये सब इनके चुनावी जुमले हैं जो ये जनता के बीच में इन जुमलों को लेके जाते हैं और जनता इनसे भ्रमित हुए बिना जो है काम करने वाली पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और दुर्गेश पाठक में अपना भरोसा व्यक्त किया है। नेहा दुआ जी, बीजेपी के लिए दिल्ली अभी दूर है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो अपनी जीत दर्ज करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, ये आम आदमी पार्टी ने जो क्या करने वाली राजनीति है, झूठ फैलाने वाली राजनीति, कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा बहुत उसमें कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसको दावे से इसलिए कहती हूँ, हिमाचल और जो अभी ये गुजरात में गए हैं वहाँ इनको अपना जो संगठन है वही भरू करना पड़ा, इससे साबित हो जाता है कि वहाँ की जनता ने इन्हें नकारा। और अभी जो 5 विधानसभा चुनाव हुए उसमें सिर्फ ये एक पंजाब जीत पाए और वो भी पंजाब में जैसे जीते, अगर जनता देखे तो जिस दिन से ये पंजाब जीते हैं वहां पर आतंकवाद का बोलबाला है, वहां पर घर घुस के लोगों की हत्याएं की जाती है। अब सिद्धू मूसे वाला जो बहुत मशहूर सिंगर थे, गायक, उनके साथ क्या हुआ है ये भी जनता ने देखा है। पंजाब में इन्हीं के पुलिस स्टेशन के ऊपर कैसे बम फेंके जाते हैं ये भी जनता ने देखा है। और जितना भी मूसे वाला के जो हत्यारे थे उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, पंजाब पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, जीत हासिल करी, ये भी जनता ने देखा है। और काफी किसान जब से ये लोग वहां पार्टी में आए हैं काफी ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं भी की हैं। तो मैं इसे यही कहना चाहूंगी कि इनका मॉडल कहीं कहीं झूठ वाला चल जाता है, झूठ फैक्टर चल जाता है, बाकी जगह ये नहीं जीत पाते, ये हमेशा कहीं ना कहीं। और ये इन्हीं की विधानसभा की गिनती, इन्हीं की सीट थी, उसके बावजूद भी हमने पूर्ण, जैसे कहते हैं, पूरी कोशिश अपना वो हम हमेशा करते थे, ये भी पता हो कि यहाँ पर हम जीते नहीं जीते लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और ईवीएम को ब्लेम नहीं करते। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है, अभी आप देखिए जो यूपी चुनाव भी हो रहे हैं, जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ ये कहा जा रहा है ईवीएम से बेईमानी, जहाँ दूसरे पार्टी के लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ ईवीएम बेईमान नहीं होता, जब हम बीजेपी जीत रही होती है तो ईवीएम बेईमान हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए,
यहाँ जनता ने, हम देखेंगे अभी भी जो दो तीन राउंड का रिजल्ट आना बाकी है, हम लास्ट टाइम तक भी उम्मीद पूरी रखे हुए हैं, और अगर जनता का यही मैंडेट है जिसे उन्हें गुमराह करने में अगर ये सफल ही रहे तो ठीक है, फिर इनको जीत मुबारक हो, लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि जनता को अभी भी वेट करना चाहिए और हम इस पे ज्यादा और मेहनत करेंगे कि इनके झूठ उजागर कर सके। जहां जहां इनके झूठ चल रहे हैं सारे राज्यों में तो ये नहीं जीत रहे, किसी किसी में जीत रहे हैं ना, अभी ये हरियाणा जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां इन्होंने इतनी बड़ी रैली करी लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा। अभी जो चुनाव हुए हैं एमसीडी वाले, वहां इनकी क्या है, जीरो। तो मैं यही कहना चाहूंगी जनता इनको समझ रही है, कई जगह पे ये जनता को झूठ दिखाने में कामयाब रहती है, अपना चश्मा पहनाने में कामयाब रहते हैं, अपनी टोपी बाजी करके टोपी पहनाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता ऐसा। किशोर झा जी, नेहा दुआ कह रही हैं कि ये तो सिर्फ एक झूठ का चश्मा फैला दिया, पहना दिया है जनता को, दिल्ली की जनता को भ्रमित कर दिया है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां भी सरकार बनाई थी वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो किस प्रकार से बदतर होती जा रही है वो देखने वाली बात है। और अगर यहाँ पर आज उपचुनाव के जो रुझान है, अगर संगरूर की सीट पर मैं उपचुनाव के रुझानों की बात करूँ लोकसभा सीट पर, तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वहां पर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए संगरूर में जो हो रहा है, हम लोग बहुत क्लोजली फाइट में हैं और कई बार हमारे प्रत्याशी आगे निकल रहे हैं और कई बार दूसरे प्रत्याशी, तो मुझे लगता है कि संगरूर अंतिम चरण तक जाएगा, अंतिम चरण तक उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन जो राजेंद्र नगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है कि तमाम झूठ तमाम प्रोपेगेंडा इनकी पहली लाइन जो इन्होंने चुनाव प्रचार में यूज की, वो पहली लाइन इनकी ये हुआ करती थी कि अरविंद केजरीवाल चोर है। क्या मुझे बताएं कि दिल्ली की जनता जो लगातार पांचवीं बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में अपना भरोसा दिखाती है, अपना भरोसा जताती है, अगर आप उसको दूसरी जनता के सामने जाके चोर बोलेंगे और भद्दे भद्दे शब्दों का, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, इससे पहले पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को ये लोग आतंकवादी साबित करने पे तुले हुए थे, तो मुझे लगता है बहुत छोटे मन के लोग हैं, बहुत छोटी सोच वाली पार्टी है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का ये क्लेम जरूर करते हैं लेकिन सोच में बहुत छोटे हैं, कद में बहुत छोटे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी से लगातार दिल्ली में बार बार हारने के बाद भी इनकी यही भाषा है और यही दिशा है, तो मुझे लगता है इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते रहिए, अरविंद केजरीवाल जी यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। देखते आप सिर्फ एक जीते पंजाब में, उसका भी आपने बधार कर लिया, बाकी जगह जो हार है उसपे भी थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए ना, पांच जगह चुनाव हुए थे, पांच में से एक जगह क्यों जीते, बाकी जगह अंडे क्यों खाए हैं, क्योंकि जनता ने आपके मुंह पे कालक पोती है। यहाँ भी कई जगह की जनता को बहलाने बदलाने में कामयाब इसलिए हुए क्योंकि फार्मर बिल की वजह से हर जगह कामयाब। दिल्ली की जनता को जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आते हैं और भाजपा हारती है, दिल्ली की जनता को ये लोग मुफ्त खोर और पता नहीं क्या क्या उपनाम देने लगते हैं। मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है बिल्कुल एकदम, इनका जो गुंडे लफंगों की पार्टी है और गुंडे लफंगों वाली भाषा का इस्तेमाल करती है। ठीक है, चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, बाहर निकलिए। चंद्रमोहन जी, इस उपचुनाव के जो रुझान हैं, जो नतीजे आ जाएंगे, वो कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीद यहाँ पर जगाते हैं, कांग्रेस के भविष्य को आप कितना मानते हैं कि कहाँ दिखाई देता है, कितना उज्जवल है, क्योंकि फिलहाल अगर बात यहाँ पर दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव की कर ले तो तीसरे नंबर पर और वो भी काफी पीछे कांग्रेस के उम्मीदवार। चलिए लगता है हमारा संपर्क जो टूट गया है। जी किशोर झा जी, ये जो जी कांग्रेस की आपने बात की, मेरा ये मानना है कि देखिए हम अपनी इस जीत से कोई मेरे बातों को घमंड के तौर पे ना लिया जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक तौर पर दिल्ली में अपने दफ्तर बंद कर देने चाहिए। दिल्ली की जनता ने इनको लगातार पांचवी बार बहुत बुरी तरीके से जो है इनको नकारा है और ये सच्चाई इनको स्वीकार करने की आवश्यकता है कि दिल्ली की जनता अब पूरी तरीके से कांग्रेस से विमुख हो चुकी है और कितनी ही कोशिश करें, कितने ही चुनाव लड़े, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आम निर्दलीय प्रत्याशी या कोई नॉन रेलेवेंट प्रत्याशी से ज्यादा वोट इनको मिलने वाले हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर आप जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी जवाब दें। चंद्रमोहन
चंद्रमोहन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेहा जी, नेहा जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी ठीक है। नेहा जी, बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त जो है वो भारत बनाना है, देश बनाना है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसने जो है दिल्ली को कांग्रेस मुक्त कर दिया है और अब यहाँ मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के ही बीच दिखाई देता है, लेकिन उसमें भी आम आदमी पार्टी जो है वो टक्कर यहाँ पर जोरदार टक्कर देती है, मुकाबला हमेशा फिलहाल दिखाई दे रहा है कि जीत जाती है। देखिए बहुत ज्यादा, आप भी देखिए बाहर 42 से 43 डिग्री दिल्ली का तापमान है और इतने तापमान में जनता, आप खुद देखिए कि कितने प्रतिशत वोट गया है, तो प्रतिशत कम होने की वजह से भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर भाजपा के प्रत्याशी पीछे रह रहे हैं, जो अभी तक रुझान जो आ रहे हैं उसमें यही दिखाया जा रहा है, तो ये वाला फैक्टर भी है। और उसके बावजूद भी खैर मैं इसको ना ईवीएम को ब्लेम करूंगी ना उसको ब्लेम करूंगी, मैं ये कहूंगी कि ये जालसाजी करने में लोगों को टोपी पहनाने में कामयाब रहे। और इतना ही कहना चाहूंगी क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को बहुत अच्छे से नजर भी आ रहा था। आप देखिए विमेन वोटर्स जो हैं इस बार बहुत कम गई हैं गर्मी की वजह से, अगर फीमेल वोटर्स ज्यादा जाती तो मुझे पूर्ण विश्वास था इनको शराब की जो इन्होंने नीति लाए हैं उस पर करारा तमाचा पड़ता और ये लोग हारते ही हारते, क्योंकि पुरुषों को तो शराब का शौक है इसलिए पुरुष तो इनको वोट देंगे, लेकिन जो महिलाएं थी वो दुखी थी शराब की इस नीति की वजह से, स्पेशली जो गरीब घर की महिलाएं थी वो तो। लेकिन नेहा जी, अगर वाकई समस्या इतनी ज्यादा गंभीर होती, महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती तो सीधे वो वहां पर पहुंचती अपने जवाब देने के लिए मत से। राजेंद्र नगर सीट पर आपकी लहर बरकरार, दुर्गेश पाठक ने करीब 11,555 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। राजेंद्र नगर सीट पर आपकी लहर बरकरार, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, दुर्गेश पाठक ने करीब 11,555 वोटों से जीत दर्ज की है। तो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है, घोषित हो गया है, दुर्गेश पाठक विजयी रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र नगर सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है, 11,555 वोटों से जीते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक। बीजेपी उम्मीदवार राजेश भाटिया और कांग्रेस उम्मीदवार प्रेम लता इस चुनाव में हार गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे दुर्गेश पाठक, उन्होंने एक बड़ी जीत यहां दर्ज की है 11,555 वोटों से। जी नेहा जी, रिजल्ट घोषित हो चुका है, 11,555 वोटों से जीत दर्ज कर ली है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने। जी मैंने अभी मेरे ख्याल से 2-3 मिनट पहले ये बात बोली थी कि जो भी जनता का मैंडेट होगा वो हमें स्वीकार है, हम ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं इतना कहना चाहूंगी जो मैं पहले भी कह रही थी अभी भी वही कहना चाहूंगी, ब्लेम कर देते हैं ईवीएम को, ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं होती। और इन्हीं की सीट को ये खुद जीत कर अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, तो ऐसा नहीं है, इन्हीं की सीट थी और इन्होंने ही जीती, हमने पूरी कोशिश करी। नेहा जी, नेहा जी, सवाल यहाँ पर ये भी होता है, ईवीएम को शायद ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकते ना कि जो सुरक्षा रहती है दिल्ली पुलिस की रहती है और दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन ही आती है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके जीत का जश्न मनाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लड्डू बांट करके पार्टी के प्रवक्ता समर्थक जो हैं, पार्टी के कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी नेहा जी, आपने कहा कि ईवीएम को आप ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि ईवीएम जिस सुरक्षा के घेरे में रहती है, दिल्ली पुलिस यहां पर सुरक्षा देती है, सरकार के केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस, तो ऐसे में सवाल तो यहां पर उठता ही नहीं है कि आप ईवीएम को ब्लेम करते हैं। नहीं, यहाँ ही नहीं, कहीं भी आप किसी भी एक भी भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के किसी कार्यकर्ता का बता दीजिए बयान जहां उन्होंने कहीं हार रहे हो और कहा हो कि मतलब कि ईवीएम को ब्लेम किया हो, तो ये हमने करा ही नहीं है। ये लोग बाकी पार्टियों का ये चलन है कि जब वो कहीं हार रहे होते हैं वो ईवीएम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यहां मैं यही कहूंगी जो मैंने अभी पहले भी कहा है, जनता को कहीं ना कहीं चश्मा पहनाने में अपना और टोपी पहनाने में ये लोग कामयाब रहे, इसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशन।